मोस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी हम ये फ्रेंचाइज शुरू कर रहे हैं। वहाँ इंशाल्लाह ड्रीम वर्ल्ड और दूसरों के साथ मिलके एक पार्टनरशिप या बिजनेस चलेगा। लेकिन अल्लाह ने इसको इज्जत दी, इसने भी यही ऐसा ही कोई काम ही किया होगा, इसने अल्लाह से मदद ली होगी, तो कोई कबूलियत का वक्त होता है ना। तो आज माशाल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कि साल दो साल में जितनी तरक्की अली गोडिल ने की है किसी और चैनल ने की, और आज हम जब इसके साथ बैठते हैं साहब, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम, फाइनली हम आप तक पहुंच गए। बस ऐसे में कहते हैं ना कि देर हुई आने में तुमको, लेकिन फिर भी आए। तो अली गोडले से मेरे ख्याल से साल छः महीने से ये बात चल रही थी कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फाइनली माशाल्लाह आप लोगों की आमद हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सुनाइए ड्रीम वर्ल्ड के हालात क्या चल रहे हैं? ड्रीम वर्ल्ड के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसा कि दुनिया में, पाकिस्तान में, कराची में जो कोरोना है उसकी वजह से ड्रीम वर्ल्ड में भी फ़र्क तो पड़ा, लेकिन अब माशाल्लाह ड्रीम वर्ल्ड आहिस्ता आहिस्ता रीओपन होने लगी चीज़ें। और हमारा जो ड्रीम वर्ल्ड का एरिया है, मैं साथ साथ थोड़ा बताता चलूँ कि 150 एकड़ पे, तो यहाँ अगर 600 लोग आते हैं ना तो यहाँ पे 125 एकड़ पे एक आदमी होता है। तो ड्रीम उसमें जो कोरोना में जो कहते हैं ना डिस्टेंस होना चाहिए, तो डिस्टेंस यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना फ्री जोन कहता हूँ मैं इसको। तो हम शुरू करते हैं आपकी इनिशियल लाइफ पे, कि जब आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप शुरू हुए और आज जब आप इस मुकाम पर हैं तो कैसा फील करते हैं? देखें जी, हर इंसान जो है ना एक एक स्टेप चढ़ता है, एक एक सीढ़ी चढ़ता है। मैंने भी इसी तरह काम शुरू किया था। आई हैव स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम अवारी टावर्स। मैंने जस्ट वहाँ 8 मंथ्स काम किया था आफ्टर कम्प्लीशन माई आर्टिकलशिप ग्रेजुएशन के बाद। फिर मैंने ज्वाइन किया अभी मेट्रो, 25 साल में वहाँ रहा। और 25 साल के बाद जब मैं यहाँ ड्रीम वर्ल्ड में आया 3 ईयर्स बैक, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मुझे यहाँ माहौल मिला, इतना अच्छा, इतने अच्छे लोग मिले, बॉसेस मिले, और जो एनवायरनमेंट था, और मेरे मतलब की जॉब थी, आप समझ लें कि हम मार्केटिंग के लोग हैं, जैसे आपके CEO हैं अली गोडिल, इसी तरह और भी मेरे जो दोस्त यार हैं वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, और हम सोशल में और वेलफेयर में और ऐसी जगहों पे माशाल्लाह बहुत काम करते हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे ज़्यादा खुल के काम करने का मौका मिला। अच्छा जब्बार साहब, कहा ये जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे जो है उसकी एक पार्टनर का हाथ रहता है, और फ्रेंड्स के लिए कहा जाए कि जो फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है बंदा उससे पहचाना जाता है, तो इस सफ़र में सबसे ज़्यादा साथ आपका किसका रहा, मतलब इस मुकाम तक पहुंचाने में आपका सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा? देखें, सबसे पहले तो आपने जो मिसाल दी ना, बाज़ मिसालें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि मार्केटिंग का आदमी वो है जो गंजे को कंघी बेच दे, ये मिसाल सिर्फ कहने की हद तक है। अगर आप गंजे को कंघी बेचोगे तो वो आपको ही मारेगा उल्टा का, भी क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है मेरा। तो ये कहावत है कि आपकी ज़िंदगी में, तरक्की में आपके लाइफ पार्टनर का साथ होता है, असल में साथ होता है माँ बाप का। सही। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे भाई बहनों की दुआएं साथ हैं, नो डाउट। इसके बाद जब शादी हुई तो मेरी वाइफ समीना, उसने मेरा साथ दिया, मेरा बेटा शहरियार, बेटी पारस, उन लोगों ने भी मेरा साथ ज़रूर दिया, लेकिन वो लाइफ पार्टनर सबसे पहले साथ नहीं देता है, माँ साथ देती है, माँ की दुआएं साथ देती हैं। अच्छा जब्बार साहब, ये बताइए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप ड्रीम वर्ल्ड के, तो ड्रीम वर्ल्ड को क्या सोचते हैं, किस मुकाम पर देखना चाहते हैं ड्रीम वर्ल्ड को आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, यहाँ सेल्स बैंक्वेट पूरा मेरे पास है, एजुकेशन है, कॉरपोरेट है, जितना माशाल्लाह इनफ्लो होता है वो मेरी टीम के थ्रू होता है। यहाँ पे माशाल्लाह मैं ओनर्स की, वो तो नहीं चाहते कि उनकी तारीफ़ की जाए, लेकिन तारीफ़ अल्लाह की है। और ऐसे लोग हमें जब मिले हैं ना, तो इनकी लीडरशिप में हमें इतनी इन्होंने मेंटोरिंग की है, इतना सिखाया है कि हम हर वक्त हर टाइम यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो हलाल रोज़ी के पीछे लगे हुए होते हैं। कभी हमें ऐसा होता है ना कि हमारा एक रूम बिका हुआ और किसी मजबूरी की वजह से वो बंदा नहीं आता है, तो हम उसके पैसे रखते नहीं हैं, उसके पैसे किसी मजबूरी की वजह से हो तो हम वापस कर देते हैं। कभी खुदा ना खास्ता को फूड में कोई ऐसी कंप्लेंट आ गई, अल्लाह ना करे,
हम उनके वो पैसे वापस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ हो हलाल हो, और माशाल्लाह ये इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा काम है कि बस आप लोगों की या किसी की सोच है कि माशाल्लाह अल्लाह ने हम लोगों पे, हमारे बॉसेस पे इतनी रहमत की हुई है। सही। अच्छा, सोशल वर्क ज़ाहिर है आप करते हैं, तो ये बताइए कि सोशल वर्क कौन कौन से अंजाम देते हैं आप? देखिए, सोशल वर्क में मैं हेल्प इंटरनेशनल में भी काम करता हूँ, कहीं कोई जगह जहाँ भी मौका मिले सोशल काम करने का करते हैं। इस वक्त मैं मेमल लीडरशिप फोरम में वाइस चेयरमैन हूँ, जिसके रहीम जानू साहब ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, अख्तर आरफा साहब उसके चेयरमैन हैं, और सीनियर वाइस चेयरमैन हमजा ताबानी। माशाल्लाह हम लोग इस वक्त यंग लीडर्स की तरफ काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब हमारे बाद जो भी नस्लें आ रही हैं वो लीडर्स बने, वो मेमन कम्युनिटी को लेके चलें। इसके अलावा मैं कॉमिक्स में भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो एक 23 साल पहले एक गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की एसोसिएशन है, उसमें आसिफ इस्माइल साहब मेरे प्रेसिडेंट हैं, मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह वहाँ भी हम जो मैक्स हम उस एसोसिएशन के लिए काम कर सकते हैं कर रहे हैं। हारमोनी वेलफेयर, जिसमें मैडम निगत जावेद मेरे साथ हैं प्रेसिडेंट, उनके साथ भी मैं अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, वहाँ भी हम जितना भी वेलफेयर का काम होते हैं वो कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपके इस इंटरव्यू के प्लान से पहले 4 या 5 दिन पहले होटल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की AGM हुई थी, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना हूँ। वो माशाल्लाह बहुत बड़ा फोरम है, बहुत अच्छा फोरम है और हमारी फील्ड से भी रिलेटेड है। एक और जगह अभी रिसेंटली कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में कोकब साहब हैं वहाँ पाकिस्तान के चेयरमैन, उनको ही मैंने ज्वाइन किया है। तो कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ जितना जितना पार्ट हम दे सकें, किसी फलाई काम में, कोई अपनी एक्सपर्टीज से, कोई अपने एक्सपीरियंस से, जिस तरह से भी, जिसके लिए भी कुछ भी कर सकें, हम कोशिश करते हैं कि वो करते हैं। जी, तो जब्बार साहब, आप मेमन कम्युनिटी के साथ साथ ज़ाहिर है ड्रीम वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास भी और ज़ाहिर है लोगों के दिलो दिमाग में भी एक सवाल होता है मेंबरशिप के हवाले से, या आगे मजीद और ड्रीम वर्ल्ड के क्या पाइपलाइन में प्रोग्राम्स हैं, वो क्या चीज़ लेकर आना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस हवाले से कुछ मैसेज दीजिए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम वर्ल्ड में जितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं 280+, इसके अलावा हमारी जो एक मेंबरशिप की स्कीम जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च की है, जो 2.8 मिलियन की है, जिसमें आप 3 लाख रुपए इनिशियली देते हैं और 100 मंथ तक 25,000 रुपये देते हैं, तो आपके 8.5 साल तक हमारे पास 28 लाख आते हैं। फिर इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामिक तकाफुल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, और हम जिस तरह ये काम कर रहे हैं और जिनसे कर रहे हैं, कि आपके 10 ईयर्स कम्प्लीट होने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे और आपकी फैमिली की मेंबरशिप भी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा हुआ हमें, तो 28 लाख के 28 लाख मिले, डिवेल्यू हो गए, लेकिन आपको यहाँ की फैमिली मेंबरशिप भी तो मिली, फैमिली की। एक तो ये चीज़ हम माशाल्लाह अभी काफ़ी हमारी फेमस है, चल भी रही है, और दूसरा फ्रेंचाइज का बिज़नेस भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अंडर माई चेयरमैन मेरे पास ही है। उसमें हम डिफरेंट जगहों पर, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी हम ये फ्रेंचाइज शुरू कर रहे हैं। वहाँ इंशाल्लाह ड्रीम वर्ल्ड और दूसरों के साथ मिलके एक पार्टनरशिप या बिज़नेस चलेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अब हमने कोविड के बाद, जब दुनिया कोविड की से पहले कराची वाले, पाकिस्तान वाले अदर सिटीज़ में जा रहे हैं, अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं मीटिंग्स के लिए, तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैसिलिटीज़ बना ली, हमारे 85 शेलेज़ हैं और 65 और पाइपलाइन में, तो अब हमने यहाँ माशाल्लाह इतना स्टैंडर्ड अल्लाह ने ही कराया, इतना हाई कर दिया है कि अब हम जो काम कर रहे हैं उसमें दुबई से, तुर्की से, यूके से, यूएसए से, अब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आएंगे और यहाँ मीटिंग करेंगे और यहाँ स्टे करेंगे। यहाँ जो माशाल्लाह इनको एटमॉस्फेयर और जो माहौल मिलता है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कहीं मिले। मैंने अपने आने के बाद, ड्रीम वर्ल्ड तो है अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से, लेकिन अब रिसेंटली मैंने 2 बेस्ट रिजॉर्ट ऑफ द अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लिए हैं, एक गवर्नर सिंध से लिया है, एक गवर्नर पंजाब से लिया है। तो माशाल्लाह दिन रात यहाँ काम भी होता रहता है, और हमारे जो बॉसेस हैं वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ सोचते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो ड्रीम वर्ल्ड एक माशाल्लाह, जैसा कि इसका नाम है, ये इसी तरह हम लोगों को फैसिलिटेट करते जाएंगे। आप आएँ भी, अपने यहाँ इवेंट भी करें, एजुकेशन के, कॉर्पोरेट के, जिस तरह भी जैसे हैं, बल्कि आप लोग आए हो अभी 10-15 मिनट में या आधे घंटे पहले, तो आपने देखा कि मेरी 3-4-5 मीटिंग्स यहाँ पाइपलाइन में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम वर्ल्ड भी अच्छा, लोग भी अच्छे, इंशाल्लाह काम भी अच्छा होगा। तो आज माशाल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कि साल 2 साल में जितनी तरक्की अली गोडिल ने की है, किसी और चैनल ने की, और आज हम जब इसके साथ बैठते हैं तो माशाल्लाह इसकी बातों में और हर चीज़ में, एज में, वो मेच्योरिटी लेवल है कि हम खुद सोचते हैं कि यार अच्छा हुआ उस दिन
जो हम लोगों ने बोला था वो इसने सुन नहीं लिया था, लेकिन मैं इसके बाद 3-4 इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि भाई ये हमें लगता था कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन माशाल्लाह इस अल्लाह ने इसका हाथ पकड़ा, इतना मेहनती है, और मैं समझता हूँ कि 18-20-22 घंटे भी बाज़ोकात काम करता है। अब ये आप इससे पूछिएगा कि ये फैमिली और दोस्तों को टाइम देता है कि नहीं देता है। अच्छा जब्बार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और आपके तमाम काम के लिए बेस्ट विशेस। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि हमने जब्बार राठौड़ साहब से उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी बिज़नेस के हवाले से, उनके सोशल वर्क्स के हवाले से बात की, और उन्होंने हमें जो है वक्तन फ़वक्तन जवाब दिए, और बहुत से ऐसे जवाब दिए जिसमें हमारे लिए बहुत से मैसेजेस छुपे हुए थे। तो